हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कल से हमने अपने सिलेबस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो आज आप अपनी नोटबुक निकाल कर और थ्योरी को लिखते चलें साथ साथ, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ चलिए भाई, तो ये था पाचन एवं अवशोषण चैप्टर नंबर 16, अर्थात जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई आखिर जो भोजन होता है उसका डाइजेशन किस प्रकार होता है, और डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार हो पाता है, ठीक है? तो ये पूरी प्रक्रिया हम अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो एक पाचन की डेफिनेशन लिखी है कि आखिर डाइजेशन क्या होता है। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई हमारा जो भोजन होता है उस भोजन में ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट मतलब पदार्थ, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होते हैं, ठीक है? उन पदार्थों को हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, वो ग्रहण नहीं कर पाती। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि हमें अपने भोजन में उपस्थित उन जटिल पदार्थों को कुछ पाचक एंजाइम की सहायता से हमें सरल पदार्थों में बदलना होता है, और यदि भोजन के जटिल पदार्थ एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थ में बदल गए तो समझ लो हमारा डाइजेशन कंप्लीट, ठीक है? तो ये था भाई पाचन, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। अब ये जटिल पदार्थ कौन कौन से, तो मैं आपको मोस्टली बता दूं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये जो तीन पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमारे भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं। तो इनको एंजाइमों की सहायता से मुख्य रूप से इनके सरल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना होता है, ठीक है? अर्थात ये जो तीन पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जटिल पदार्थ हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। यदि हम इन्हें एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल में बदल दें तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, ठीक है? तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका, है ना, जैसा कि आप तुरंत चलते हुए जाना, ठीक है भाई? तो ये पाचन समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए अब हम मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं वो है पूरे पाचन तंत्र की। अर्थात अब हम ये समझेंगे कि भाई ये जो पाचन तंत्र होता है इसमें कौन कौन से तो अंग भाग लेते हैं, कैसी उनकी संरचना होती है, और किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है, ठीक है? तो उन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पाचन तंत्र का जो निर्माण होता है वो एक नाम से होता है जिसे हम आहार नाल कह के चलते हैं। क्या कह के चलते हैं भाई? आहार नाल, ठीक है? आहार नाल को इंग्लिश में हम एलिमेंट्री कैनाल बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझो कि या तो देखो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसको समझे या मैं थ्योरी लिखूं तब थ्योरी लिखे, मतलब जैसा आपको उचित लगे ना अपने हिसाब से करते रहना भाई, है ना?
देखिए तो ये हेडिंग लगा ली हमने कि भाई आहार नाल की संरचना। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट लिखते हैं, आप मेरे साथ उनको लिखते जाना, फिर मैं उनको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यह है मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक फैली होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। अब ये आहार नाल के बारे में दो पॉइंट थे। देखो सिंपल सी बात ये है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो भाई जो पाचन तंत्र होता है ना, उसका पूरे का निर्माण एक एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है, जिसको हम आहार नाल बोल के चलते हैं, ठीक है। तो हमें मोस्टली यदि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो हमें केवल आहार नाल की संरचना को पढ़ना पड़ेगा और उसकी क्रियाविधि को, ठीक है। तो आहार नाल क्या होती है, मुख से लेकर गुदा मार्ग तक एक नली रूपी संरचना हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हम उसी संरचना को एलिमेंट्री कैनाल बोल के चलते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो टोटल 8 से 10 मीटर होती है, एवरेज 9 मीटर। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। अब ये तो बात हुई आहार नाल के बारे में दो पॉइंट, अब हमें यहीं पर लिखना है इसकी संरचना में दो प्रकार के अंग भाग लेते हैं, ठीक है। ये देखो आपको पॉइंट भी बिल्कुल एरो लगा के लिख के चलना है, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं ना हर लाइन में। इसकी संरचना में दो प्रकार के अंग भाग लेते हैं, आपको सबसे पहले लिखना है मुख्य अंग और दूसरा लिखना है सहायक ग्रंथि, ठीक है। नोट कर लीजिए ऐसे कि भाई आहार नाल की संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के अंग भाग लेते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं दो प्रकार के अंग मिलकर इस एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से, पहला है मुख्य अंग और दूसरा है सहायक ग्रंथि, ठीक है। हाँ तो यहां तक हमने नोट कर लिया, बिल्कुल इसी प्रकार आपको क्रमवाइज चलना है ना। चलिए तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारे मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहले इनके हम नाम लिखेंगे, तो मुख्य अंग है वो कुछ इस प्रकार हैं, नंबर एक मुख, नंबर बी ग्रसनी ग्रसिका आमाशय छोटी यंत्र बड़ी यंत्र मलाशय, ठीक है। तो ये हमारे मेन ऑर्गन होते जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। तो इनको हम बिल्कुल इसी प्रकार नोट करेंगे जैसे हमने पहले लिख लिया। तो नंबर एक हेडिंग लगा के हम डालेंगे कि भाई मुख्य अंग कौन कौन से, तो ये हमारे मुख्य अंग हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको, वैसे हमें इसका जिक्र नहीं करना है, लेकिन ये भी है गुदा मार्ग, है ना। समझ में आ रही बात, हाँ। तो ये हुए हमारे मुख्य अंग। इनके अलावा अब जो हमारी सहायक ग्रंथि हैं वो कौन सी हैं,
सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि तीन होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और तीसरी है अग्नाशय। ठीक है, तो ये जो टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले अंग हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सभी अंग मिलकर हमारे पूरे पाचन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं भाई। देखो हम एलिमेंट्री कैनाल की संरचना की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसे हमने देख लिया कि भाई 9 मीटर लंबी होती है, मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक फैली एक नली है। इसके निर्माण में दो प्रकार के अंग भाग लेते हैं, एक तो मुख्य अंग और एक सहायक ग्रंथि। तो अब हम देखेंगे भाई कि मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ नोट करेंगे कि मुख है, ग्रसनी है, ग्रसका है, आमाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, मलाशय और गुदा मार्ग है। ठीक है, मुख में आप, मैं एक बात और बताऊं आपको, मुख और मुख गुहा भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसको हम बकल कैविटी बोल के चलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड जब हम यूज कर लेंगे तब हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये अंग हमें याद होने चाहिए भाई। इसके अलावा तीन हमारी सहायक ग्रंथि भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के निर्माण में भाग लेती हैं। तो वो तीन ग्रंथि कौन कौन सी, जैसे लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, तो ये टोटल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी अंग हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हमें क्रमशः इन सभी अंगों की संरचना के बारे में बात करनी है केवल। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पहला टॉपिक क्या था, आहार नाल की संरचना। दो टॉपिक हैं इसमें, एक तो है आहार नाल की संरचना और एक है आहार नाल की कार्य की, है ना। संरचना का मतलब तो आप जानते हैं कि हमें यह देखना होता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है ना। लेकिन कार्य की में हम क्या देखते हैं भाई, कार्य की में हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका मेन फंक्शन क्या है। जैसा कि हमको पता है भोजन को पचाना, तो हम वहां ये देखेंगे कि ये पार्ट किस प्रकार भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, आखिर इनमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो टोटल दो पार्टों में हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने 10th क्लास में इसको बहुत छोटे रूप में पढ़ा है, लेकिन अब यहां हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा भाई कौन कौन से अंग होते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, क्रमशः इन जितने भी अंग हैं उनका क्रमशः अब हमें अध्ययन करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर एक जो हम बात करेंगे वो करेंगे मुख और मुख गुहिका की, जिसको हम वक्कल कैविटी बोल के चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे कि जो आपके पास ग्रीन पेन है उससे आप इस हेडिंग को लगाएंगे, मुख या मुख गुहिका, जिसको हम वकल कैविटी बोल के चलते हैं। ठीक है, ये पहला ऑर्गन है ना एलिमेंट्री कैनाल का, तो अब हमें हर ऑर्गन की क्या देखनी पड़ेगी, संरचना। तो इसमें देखते हुए क्या क्या आएगा ना, तो समझते हो आप, चलना। अब नीचे की जो लाइन है आपकी किताब नोटबुक की, उसमें आप जो ये बॉक्स होता है ऐसे तो होता है इसी प्रकार, तो यहां आप ऐसे एरो लगाते हुए चलेंगे कॉपी में। ठीक है, हाँ देखिए
तो सबसे पहले हम बात करें तो हम लिखेंगे मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मुख गुहा में खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख गुहिका में कठोर व कोमल तालु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख गुहिका में जीव व दांत दांत होते हैं। देखिए भाई, अब जो हमारा पहला ऑर्गन है जिसको हम मुख और मुख गुहिका बोल के चल रहे थे, वो क्या होता है भाई? मैं आपको बता दूं कि जो मुख होता है वो एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। अच्छा, अनुप्रस्थ दरार क्या है मैं आपको बता दूं, यदि आपने पढ़ा हो कहीं भी अनुप्रस्थ लाइन, तो देखो इस प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स लाइन, अनुप्रस्थ लाइन बिल्कुल इसी प्रकार की होती है ना। तो हमारा मुख देखो आप, समझ में आई मेरी बात भाई? ये मुख है तो ये बिल्कुल इसी प्रकार तो है, लाइन बिल्कुल ऐसी ही तो है। तो ये मुख हमारा क्या है, देखो ये वकल कैविटी है, मुख गुहा है, जो आप मुख को खोलते हैं ना उसके अंदर जो आपको दिखाई देता है वो आपकी वकल कैविटी है, मुख नहीं है। मुख केवल यही होता है जो लाइन है और दो ओष्ठों द्वारा घिरा हुआ है, सिंपल है। तो मुख के बारे में आपको पता चल गया कि मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट, जो मुख होता है वो पीछे की तरफ वकल कैविटी में खुलता है, या आप जानते हैं जो हमारी मुख गुहिका होती है उसमें इम्पोर्टेंट तालु होते हैं। तालु, ये जो देखो ऊपर वाले, ये जो ऊपर की तरफ छत सी होती है ना, ये हमारे होते हैं तालु, कठोर और कोमल तालु, ठीक है। नेक्स्ट, इस मुख गुहिका में जो हमारी बकल कैविटी होती है उसमें दो चीज आती है, एक तो आती है जीव और एक आता है दांत। जीव और दांत कहाँ आएंगे? ये मुख गुहिका में। तो अब हमें क्या करना है, क्रम से जीव और दांत के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इनको अब हम सब हेडिंग बना लेंगे। जैसे सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे जीव, जिसको हम टंग बोल के चलते हैं। तो मोस्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो हम पढ़ के चलेंगे ना। तो जीव क्या है भाई? अरे भाई, आपको जीव के बारे में भी तो समझना है कि आखिर क्या होती है जीव। यह है एक लचीली पेशीय संरचना है जो फ्रेनुलम के द्वारा मुख गुहा की अधर सतह से जुड़ी रहती है, ठीक है।
तो टंग की यदि हम बात करें, अच्छा ये पॉइंट लिख लो पहले ना, उसके साथ उसके बाद ना समझो नेक्स्ट पॉइंट। इसमें स्वादांकुर जिनको हम टेस्ट वर्ड्स बोलते हैं, स्वादांकुर होते हैं जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो ऊपर से तो आपने लिख लिया होगा, यहां तो मैं मिटा देता हूं, है ना। जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं ये जीव पर निम्न प्रकार उपस्थित होते हैं। अब मैं यहां पर एक चित्र बना देता हूं, है ना, जिसमें आपको सभी चीज क्लियर पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ डायग्राम बनाइए एक बार आप, है ना, फटाफट जीव का नोट कर लिया। ठीक है, अरे मैंने ये नाम तो लिखे नहीं, मीठा खट्टा हो गया, ये है नमकीन और पीछे की तरफ कड़वा। तो इन पॉइंटों को हम नोट भी नहीं करना है, ध्यान से आप समझिए। सुनिए, हमारी जो बात चल रही है वो एलिमेंट्री कैनाल की संरचना में फर्स्ट ऑर्गन चल रहा है जिसको हम मुख बोल के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मुख क्या है, मुख में हमारी इंपॉर्टेंट जीव होती है। ये जीव क्या है, मोस्टली आपको याद रखना है कि जो जीव होती है ना वो एक फ्रेनुलम नाम की संरचना होती है। फ्रेनुलम इस संरचना के माध्यम से हमारी मुख गुहा से जुड़ी हुई रहती है। देखो आप शीशे में कई बार जब जीव को ऐसे ऊपर करके देखते हैं तो आपको यहां पर एक थोड़ी ब्लू कलर की सी संरचना दिखाई देती है, तो वही है फ्रेनुलम। तो आपको पहला क्वेश्चन यही याद रख के चलना है कि आखिर जीव किस संरचना के द्वारा हमारी मुख गुहा से जुड़ी रहती है। तो आप बताएंगे सर फ्रेनुलम के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, जीव का काम क्या होता है, हमें भोजन के स्वाद का अनुभव कराना, तो इसलिए उसके पूरी जीव पर स्वादांकुर जिनको हम टेस्ट वर्ड या पेपिलाई बोलते हैं वो पाए जाते हैं। अब हमें ये याद रखना है कि आखिर जीव का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराता है। समझ मेरी बात, कि जीव का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का अनुभव कराता है, तो आप इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जीव का अग्र भाग मीठे स्वाद का अनुभव कराता है, अग्र भाग। जीव का सबसे पिछला भाग कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है, और जो दवाइयों का स्वाद होता है वो हमें यहीं से पता चलता है। तो सबसे अग्र भाग मीठे का और सबसे पीछे वाला कड़वे स्वाद का। साइडों वाला जो पार्ट होता है जीव का वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है, और जीव के बीच वाला जो भाग होता है वो साल्टी यानी कि नमकीन स्वाद का पता चलाता है। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो ये डायग्राम आप नोट कर लेना और इस हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश करना, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं
कि हम दंत वाली जो बात है भाई, जीभ तो हमने पढ़ ली, अब इसके कार्य भी हम जानते हैं, जैसे भोजन को घुमाने फिराने का, है ना, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट जो ये बात है दंत की, हालांकि हम उसकी वीडियो बना चुके हैं तो आप वहां से उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन जो दंत की संरचना है उसके बारे में अब हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज इसको बढ़िया तरीका से नोट करना आप, और बिल्कुल जैसे हम चल रहे हैं उसी प्रकार से आप लिखते चलो, सुंदर से चित्र बनाते हुए चलो, ठीक है। बाकी बातें करेंगे कल।